अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मुकदम है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऊंझा शरीफ में आराम फरमा हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान मुबारक पर मनाए जा रहे उर्स मुबारक पर एक खास वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको गुसल मुबारक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संदल और संदल शरीफ की करामत भी बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस खूबसूरत वीडियो से आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी जरूर करें और पास ही में लगे बेल आइकॉन वाले घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहरहाल नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर पढ़ी गई यह खास दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हजरत मीरा सैयद अली दातार बापू, आपके दरबार में उस मुबारक के मौके पर जितने भी लोगों ने फूल चादर इत्र पेश किया, सरकार इनकी हाजिरी को इनके सलामी को कबूल करना, सरकार इनके घर में रोजी के दरवाजे खोल देना, बुलंदी से खोल देना, तरक्की से खोल देना, सरकार इनके तमाम तकलीफ परेशानी बला बीमारी को दूर करना, सरकार इनके घर में रोजी के दरवाजे बुलंदी से खोल देना, तरक्की से खोल देना, सरकार आपका शाया आपका वसीला रखना, सरकार इनकी मदद करना। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको मालूमात दी थी कि गुजरात के ऊंझा में आराम फरमा हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान मुबारक पर उर्स मुबारक जारी व सारी है। दो साल बाद ऊंझा शरीफ में अकीदत मंदों का मजमा लगा हुआ है। उर्स मुबारक में शिरकत करने लाखों की तादाद में अकीदत मंदों ने दरगाह पर पहुंचकर खिराज अकीदत पेश की है। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर आस्थान मुबारक पर उर्स के मौके पर रोजे मुबारक को गुसल दिया जाता है। अल्लाह के वली के रोजे मुबारक को गुसल देने के लिए संदल और गुलाब जल और इनके अलावा खुशबूदार इत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, उर्स मुबारक में संदल शरीफ से दिए जाने वाले गुसल शरीफ की खासा अहमियत होती है। जिस संदल से रोजे मुबारक को गुसल दिया जाता है उसी संदल को जायरीनों और यहाँ पहुँचने वाले तमाम अकीदत मंदों में तकसीम भी किया जाता है। हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान मुबारक पर गुसल शरीफ के बाद जायरीनों अकीदत मंदों और मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों के बीच संदल तकसीम किया गया। सरकार सैयद अली दातार बापू, आज आपका उर्स मुबारक है और वीडियो के जरिए जितने भी आशिक आपका ज़ियारत कर रहे हैं, सरकार इनकी हाजिरी को इनकी सलामी को कबूल कर, इनकी हर तमाम तकलीफ मुसीबतों को दूर करना, सरकार हर बला हर बीमारी हर जीन और जिनात को दूर करना, सरकार आपका शाया आपका वसीला रखना, हर आसमानी जिस्मानी रूहानी बलाओं को दूर कर, आपके उस मुबारक के मौके पर जितने भी वीडियो के जरिए जाहिरीन ज़ियारतें कर रहे हैं इनकी हाजिरी को इनकी सलामी को दूर करना, हर परेशानी हर बला हर। इस संदल की अहमियत को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि भूत प्रेत जिन्नात और ऐसे भी बलाओं से बचने के लिए और उनके असर को खत्म करने या कम करने के लिए इन्हीं संदल शरीफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उर्स मुबारक में शिरकत करने आए तमाम अकीदत मंदों के लिए यह संदल खासा अहमियत रखती है। जहां एक तरफ अकीदत मंदों ने उर्स मुबारक में शिरकत कर गुसल शरीफ और कुल शरीफ जैसी रस्मों में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान मुबारक पर दुआए खैर की, वही दूसरी तरफ संदल शरीफ गुलाब जल जैसे तमाम तबरुकात के लिए अकीदत मंदों में इसे पा लेने की जबरदस्त होड़ भी देखने को मिली। इन सब से इतर उर्स मुबारक के आखिरी अयाम में मलंगों और मस्तानों के करतब ने आस्थाने पर आने वाले तमाम जायरीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां कई लोग इन मस्तानों और मलंगों के करतब को देख दांतों तले अपनी उंगलियां दबा रहे हैं तो कई लोग तरह के करतब
और मस्तानों को दरगाह के लिए और इसकी अजमत के लिए गलत बता रहे हैं। वीडियो के आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को वली अल्लाह से दिली मोहब्बत करने और उन पर निस्बत रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।